वेलकम बैक पार्ट 10 में आपका स्वागत है। यहाँ पे A3 इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है और A7 इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है और आपको AP ढूंढने के लिए बोला गया है। अब जब भी AP ढूंढने के लिए बोला जाए तो आपको दो चीजें ढूंढनी होती है, आपको A ढूंढना होता है और आपको D ढूंढना होता है। ठीक है, तो फिलहाल मेरे पास A3 है तो मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ A+2D एंड A7 है तो मैं इसको लिख लेता हूँ A+6D। फिलहाल मेरे पास A3 की वैल्यू 5 थी तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया है और A7 की वैल्यू 9 थी तो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया है। ठीक है, अब दोनों के लिए हम A की वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ से इस इक्वेशन से मुझे A की वैल्यू क्या मिलेगी, A = 5 - 2D राइट, और इस इक्वेशन से मुझे क्या मिलेगा, A = 9 - 6D राइट। अब दोनों AP का जो A है फर्स्ट टर्म है वो तो सेम ही होने वाला है। ठीक है, तो मैं दोनों को इस A को मैं सेम इक्वल दिखाऊंगा तो ये जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो भी इक्वल हो जाएगा, 5 - 2D = 9 - 6D। इसको मैं इधर लेके आता हूँ, इसको यहाँ पे, तो 5 - 9 = -6D + 2D, ये हो गया -4 = -4D, -- कट हो गया 4/4 = D विच इज इक्वल टू 1 राइट। ये आपका D इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो 1 है इसकी वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इसमें या इसमें रख लेता हूँ मैं यहाँ पे A3 = A+2D था वहां पे रख लेता हूँ जिसकी वैल्यू मेरे पास 5 थी। अब A+2 × 1 = 5, A+2 = 5, A = 5 - 2, A = 3। तो देखिए आपके पास A आ गया और D आ गया। अब क्या करना है, पहले आपको 3 ले लेना है यहाँ पे। ठीक है, 3 में आप D ऐड कीजिए 4, 4 में आप D ऐड कीजिए 5, 5 में D ऐड कीजिए 6, 6 में D ऐड कीजिए 7। इस तरीके से आपको पूरी AP मिल जाएगी। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं, आपको एक बार प्रैक्टिस करनी होगी किसी भी सीरीज के। हमेशा आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको इसी के बेस पे आपको AP बनाने के लिए बोला गया है, तो जो चीज़ कॉमन है आप उसकी इक्वेशन बना के इक्वेट कर दीजिए, आपको रिमेनिंग टर्म्स मिल जाएंगे। मिलते हैं पार्ट 11 में। थैंक यू सो मच।